समुद्र एक ठंडी, गहरी और डरावनी जगह है। आप जैसे जैसे धरती की सतह के नीचे चलते जाओगे, वैसे वैसे जीवन के पनपने की संभावनाएं उतनी ही कम होती जाएंगी, खास करके समुद्र के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे हम पानी के अंदर चलते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो समुद्र के तल में रहने वाले जीव बहुत ही छोटे होंगे, इतने छोटे कि शायद ही उन्हें आंखों से देखा जा सके। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सच इसका बिल्कुल उलट है। इन जीवों का आकार असामान्य रूप से बहुत ही बड़ा होता है। पुराने समय में इनमें से बहुत से जीवों के बारे में कहानियां भी लिखी जाती थीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिस जगह पर जिंदा भी नहीं रहा जा सकता, उस जगह पर ये विशालकाय जानवर कैसे पैदा हो जाते हैं? क्या ये कुदरत का कोई करिश्मा है या इवोल्यूशन का कमाल? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। समुद्र एक बेरहम जगह है जहाँ पर हजारों डरावने जानवर रोज जिंदा रहने के लिए मशक्कत करते हैं। सतह से करीब 200 मीटर की गहराई को द सनलाइट जोन कहा जाता है, जहाँ पर रंग बिरंगे जीव रहते हैं। यहाँ सूर्य की रोशनी अपनी पूरी तीव्रता के साथ गिरती है, इसीलिए जीवन को यहाँ पर पैदा होने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे ही हम 200 मीटर से और ज्यादा अंदर की गहराई में जाते हैं तो ट्विलाइट जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पर रोशनी बहुत ही फीकी पड़ जाती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जिसमें सूर्य की किरणों से खाना बनाया जाता है, नामुमकिन बन जाता है। करीब 1000 मीटर की गहराई में आने पर हम द मिडनाइट जोन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हर एक तरह की बाहरी रोशनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पर रोशनी का एकमात्र जरिया होता है यहाँ रहने वाले जीव, जिन्होंने अपने शरीर में बायोलुमिनेसेंट नाम की चीज पैदा कर ली है। एंगलर फिश जैसी स्पीसीज अपने शरीर में उत्पन्न होने वाली रोशनी से ही दूसरे जीवों का शिकार करती है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जिन जीवों की बात करने वाला हूँ वो तो समुद्र की और ज्यादा गहराई में रहते हैं। करीब 6000 मीटर की गहराई में हम द एबाइस में पहुँच जाते हैं, जिसे हिंदी में आप पाताल लोक भी कह सकते हो। यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इंसानी शरीर के पल भर में चीथड़े उड़ जाएंगे। ये दुनिया धरती का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है जहाँ पर जिंदा जीव रहते हैं। ये धरती की 60% जगह है, लेकिन समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा है, करीब 11000 मीटर तक। इस तरह की जगह को ट्रेंचेज का नाम दिया गया है। ये समतल जगह नहीं होती, बल्कि इसका शेप वी की तरह होता है, जैसे किसी ने समुद्र के तल में खुदाई की हो। इन ट्रेंचेज में सबसे गहरी जगह जिसे आज तक इंसान खोज पाए हैं वो है मैरियाना ट्रेंच। आप यकीन नहीं करोगे कि मैरियाना ट्रेंच जैसी जगह पर, जहां प्रकृति अपने सबसे रौद्र रूप में है, वहां भी कुछ जीवों ने जिंदा रहना सीख लिया है। ये जीव सीधा किसी हॉरर मूवी से निकलकर आए हुए प्राणी नजर आते हैं। द जायंट जैपनीज स्पाइडर क्रैब, बिग रेड जेलीफिश, ओयर फिश, द जायंट स्क्विड, द ग्रीनलैंड शार्क, ये केवल कुछ प्राणी हैं जो इन गहराइयों में अपना घर बनाते हैं। ये सभी जीव डीप सी जाइगेंटिज्म नाम की थ्योरी के क्लियर एग्जाम्पल हैं। इतने कड़े वातावरण में, जहाँ पर इनके शरीर को सिकुड़कर छोटा हो जाना चाहिए था, वहाँ इनका शरीर उल्टा असामान्य रूप से बड़ा हो गया है। इतने बड़े जीव तो समुद्र की सतह पर भी नहीं पाए जाते। अब सवाल ये आता है कि इतनी ठंडी और अंधेरी जगह पर ये दानव जैसे दिखने वाले जीव इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? समुद्र में 400 मीटर की गहराई में आते आते खाना बहुत ही कम हो जाता है। सूर्य की रोशनी इतने अंदर तक नहीं पहुंचती, इसीलिए प्लांट्स, एल्गाई और प्लैंकटन जैसे जीव यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। इतने जरूरी फूड सोर्स के ना होने की वजह से यहाँ जीवों का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर इन जीवों को जिंदा रहने के लिए डेट्रिटस नाम की चीज पर डिपेंड होना पड़ता है। इस घटना को मरीन स्नो भी कहा जाता है। मरीन स्नो बहुत सारे प्लांट्स और मर रहे जीवों के छोटे छोटे कण होते हैं, जो बिल्कुल बर्फ के छोटे गोले की तरह धरातल में गिरते रहते हैं। कुछ जीव पूरी तरह से मरीन स्नो के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड। इन्होंने अपने शरीर में दो लंबे फिलामेंट्स जैसी चीज पैदा कर ली है, जिनसे वो सीधा इन गिर रहे पार्टिकल्स को खा पाते हैं। मरीन स्नो एक बहुत ही जरूरी फिनोमिना है, लेकिन तब भी ये बड़े बायोमास को सपोर्ट नहीं कर सकता। डीप सी में रहने वाले जीव यहाँ वहाँ फैले हुए हैं और खाने की चीजें बहुत ही कम हैं। किसी भी छोटी मछली के लिए ये डरावने सपने से कम नहीं है। अंधेरे में से कब कौन सा जीव उन पर झपट पड़े उन्हें खुद नहीं पता होता। जो जीव मरीन स्नो नहीं खाते वो उन जीवों को खाते हैं जो मरीन स्नो खाना पसंद करते हैं। इतने कड़े पर्यावरण में लगभग हर एक जीव को एक टॉप प्रीडेटर के रूप में इवॉल्व होना पड़ता है। उन्हीं जीवों में आता है द जायंट स्क्विड।
जब भी किसी वैज्ञानिक के सामने आप डीप सी की बात करेंगे तो वो वैज्ञानिक आपको द जायंट स्क्विड के बारे में जरूर बताएगा। 21st सेंचुरी की शुरुआत का ये इकलौता ऐसा जीव था जिसका रियल फिजिकल फोटो हम नहीं निकाल पाए थे। आज हम जायंट स्क्विड्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो केवल उन गिने चुने स्क्विड्स की वजह से हैं जो सतह पर हमें मिले थे। हमने एग्जैक्टली इन्हें अपने सही पर्यावरण में रहते हुए नहीं देखा है। साल 2004 में फाइनली हमने 1000 मीटर की गहराई में एक लाइव जायंट स्क्विड की फोटो ली। एक चीज जो हमें इनके बारे में पक्के तौर से पता है वो ये कि इनका साइज बहुत ही बड़ा है। सबसे बड़ा स्क्विड जो हमें मिला था वो करीब 13 मीटर लंबा था, यानी एक स्कूल बस के साइज जितना। इसका वजन करीब 275 किलोग्राम था। अगर हम दूसरे स्क्विड्स की बात करें जो सतह के पास रहते हैं, उनका साइज 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतना बड़ा साइज होने की वजह से धरातल पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो जायंट स्क्विड का शिकार करता हो, इसलिए वो मजे से दूसरे स्क्विड्स और मछलियों को अपने बड़े टेंटिकल से पकड़कर खा जाते हैं। इन जायंट स्क्विड्स का वजन आसानी से 700 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और ये करीब 2000 मीटर की गहराई में भी आराम से रह सकते हैं। एक बार सोचिए, इतना बड़ा जीव घुप अंधेरे में तैर रहा है, आपको नहीं पता कि वो कब आपको अपने बड़े हाथों से पकड़कर जिंदा निगल जाए। ऐसे ही जीवों की तो कहानियां पुराने जमाने में फेमस हुआ करती थी। बहुत सी जगहों पर इन जायंट स्क्विड्स के बारे में लिखा गया है कि कैसे वो बड़े जहाजों पर हमला करके इंसानों को सीधा बोट से उठा लिया करती थी। लेकिन ये जायंट स्क्विड्स हमें ये नहीं बताते कि समुद्र के तल में रहने वाले जीव कितने खतरनाक होते हैं, बल्कि स्पेसिफिकली ये एक दूसरी बड़ी चीज का खुलासा करते हैं। इन जायंट स्क्विड्स के इतने बड़े साइज का होने के बावजूद भी इनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है। जायंट स्क्विड क्लेबियर्स लॉ नाम के एक फिनोमिना को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। क्लेबियर्स लॉ के मुताबिक जरूरी नहीं है कि अगर आपकी बॉडी बहुत बड़ी है तो आपको बहुत सारा खाना खाने की जरूरत है या आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही तेज हो। ये लॉ धरती पर रह रहे सभी जीवों के लिए अप्लाई होता है। अगर एक घोड़े का साइज एक चूहे से 1000 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़े को चूहे के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा कैलोरीज खाना होगा। एक जायंट स्क्विड का मेटाबॉलिज्म रेट इतना कम होता है कि वो एक दिन में केवल 45 कैलोरीज ही खर्च करता है। उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए केवल 30 ग्राम फूड की ही जरूरत है। एक छोटी सी टूथ फिश खाने से 500 किलोग्राम तक का एक स्क्विड 200 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये इस बात को दर्शाता है कि द जायंट स्क्विड एक बहुत ही स्लो लाइफ जीता है। ये समुद्र के तल में हर दिन खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि ये बस तैरता रहता है और कई दिनों में एक बार खाना खाता है। कई बार ये एक ही जगह पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता रहता है। इतने गहरे समुद्र में देख पाना भी मुश्किल होता है, इसीलिए इसके शिकार करने का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इन जायंट स्क्विड्स या कोलोसल स्क्विड्स की आंखें करीब 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी बड़ी आंखों से ये अपने शिकार को नहीं खोजते, बल्कि खुद शिकार होने से बचते हैं। स्पर्म वेल जैसे बहुत कम जीव हैं जो जायंट स्क्विड्स का शिकार कर सकते हैं। कम खाना और दूसरे शिकारियों से बच पाना ही डीप सी क्रिएचर्स के दानव जैसे शरीर को एक्सप्लेन नहीं करता। ठंडा पानी भी इन फैक्टर्स में शामिल है। बर्जमैन का एक रूल कहता है कि ऐसे जीव जो ठंडे पर्यावरण में पाए जाते हैं उनका साइज गर्म पर्यावरण में पाए जाने वाले जीवों से ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन ये रूल हिस्टोरिकली केवल उन जीवों के लिए सही होता है जिनका खून गर्म होता है, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रूल उन जीवों पर भी लागू होता है जो समुद्र के तल में रहते हैं। ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल साइंस है, लेकिन ये बात पक्की है कि पानी के अंदर ठंडे टेम्परेचर में विशाल जीव पाए जाते हैं। ये फिनोमिना धरती के पोलर रीजन्स में देखा जा सकता है, जहां वॉर्म्स, मरीन स्पॉन्स और यहां तक कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी विशाल हो जाते हैं। और जहां पानी गहरा और ठंडा होता है, वहां एक और अद्भुत जीव पाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं द ग्रीनलैंड शार्क की। ये जीव दुनिया के सबसे अजीबोगरीब दानवों में से एक है। ग्रीनलैंड शार्क आर्कटिक ओशियन की सबसे बड़ी मछली है। इसका साइज 7 मीटर तक हो सकता है और वजन 1400 किलोग्राम तक भारी। ये 2000 मीटर की गहराई में ही रहना पसंद करता है, जहां का टेम्परेचर -2 से -7 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ये इकलौता शार्क है जो पूरे साल आर्कटिक ओशियन के घटते हुए टेम्परेचर को सह सकता है। इस ठंडे पर्यावरण ने ग्रीनलैंड शार्क को न केवल बड़ा बनाया है, बल्कि कई मामलों में अमर भी बना दिया है। ग्रीनलैंड शार्क लॉन्गेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट्स में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ शार्क तो अमेरिका की खोज होने के पहले से जिंदा हैं।
वैज्ञानिकों के मुताबिक उनकी एवरेज लाइफ 272 सालों तक होती है, जिनमें कुछ शार्क 500 सालों से भी ज्यादा जिंदा रहते हैं। इन शार्क की आंखों में मौजूद प्रोटीन उनके पैदा होने से लेकर मरने तक डिग्रेड नहीं होती, इसीलिए उसे एनालाइज करके इनकी एज का पता लगाया जा सकता है। इन टेस्टिंग के जरिए एक 5 मीटर शार्क की उम्र 272 से 512 साल तक बताई जाती है। ये शार्क 150 साल के होने के बाद अपने रिप्रोडक्टिव एज में पहुँचते हैं। बिल्कुल जायंट स्क्विड की तरह ही इनकी बॉडी में भी स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, शायद इसीलिए ही ये इतने सालों तक जिंदा रहते हैं। ये भी समुद्र में रोज खाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, बल्कि घात लगाकर अपने शिकार के आने का इंतजार करते रहते हैं। समय के साथ इनकी आंखें बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। ऊपर से ये पहले से ही अंधेरे समुद्र में रहते हैं। जरा सोचिए, 500 सालों तक गहरे पानी में बिना आंखों के बस तैरते रहना, ये किसी को भी डराने के लिए काफी है। आज के समय में हम डीप सी के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि ये एक बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है। एक छोटा सा बदलाव भी यहाँ रहने वाले जीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओवर फिशिंग, डीप सी माइनिंग, प्लास्टिक पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशियन केमिस्ट्री में हो रहे बदलाव से डीप सी इकोसिस्टम को बहुत खतरा है। आपको जरूर ऐसा लगता होगा कि ये जीव किसी दूसरे प्लैनेट पर रहते हैं, लेकिन सच यही है कि ये जिंदा रहने के लिए हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि कई मामलों में हम भी इन पर डिपेंडेंट हैं। आज हम दूसरे प्लैनेट पर एलियन लाइफ को खोजने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी ही नाक के नीचे रह रहे इन जीवों को अनदेखा कर देते हैं। अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि समुद्र भी बहुत से राज छुपाए बैठा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।